फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका चैलेंज है गेस द सब्जेक्ट बाय इमोजी। तो आपको सब्जेक्ट के में गेस करना है, वो भी इमोजी देखकर। तो ये रहा आपका स्कोर बोर्ड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कौन सा ग्रेड मिला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और एक सब्जेक्ट का नाम गेस करिए और जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में ये लड़की कर रही है बाय, तो इसका हो जाएगा बाय। और ये सेकंड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये लॉ की बुक यानी कि लॉ। और ये थर्ड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये जी। तो इन तीनों को मिलाकर हो जाएगा बायोलॉजी। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये बोट। और ये सेकंड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये ए। और ये थर्ड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये नी। तो इन तीनों को मिलाकर बन जाएगा बॉटनी यानी कि बॉटनी सब्जेक्ट। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये के। और ये सेकंड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये मैम। और ये थर्ड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये ट्री। तो इन तीनों को मिलाकर बन जाएगा केमिस्ट्री। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आई होप अभी तक आपने गेस कर भी लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये पी। और ये सेकंड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये सिक्स। तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा फिजिक्स। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में दिख रहा है ये हिज। और ये सेकंड वाली पिक्चर में दिख रहा है ये ट्री। तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा हिस्ट्री। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये कॉम्ब। और ये सेकंड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये हॉर्स। तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा कॉमर्स। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आई होप अभी तक आपने गेस कर भी लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये इको गाड़ी यानी कि इको। और ये सेकंड वाले में लड़का कर रहा है नो। और ये थर्ड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये कुछ मिक्स हो रहा है यानी कि मिक्स। तो इन तीनों को मिलाकर बन जाएगा इकोनॉमिक्स। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में दिख रहा है ये जू। और ये सेकंड वाली पिक्चर में दिख रहा है ये लॉ। और ये थर्ड वाली पिक्चर में दिख रहा है ये जी। तो इन तीनों को मिलाकर बन जाएगा जूलॉजी। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है ये टॉम, और ये सेकंड वाले पिक्चर में ये दिख रहा है इल, तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा तमिल। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में ये सिग्नेचर किया हुआ है यानी कि साइन, और ये सेकंड वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है ये एस, तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा साइंस। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है ये सो, और ये सेकंड वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है समंदर यानी कि सी, और ये थर्ड वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है ये एल, तो इन सबको मिलाकर हो जाएगा सोशल यानी कि सोशल साइंस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आई होप अभी तक आपने गेस कर भी लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में दिख रहा है ये कंप्यूटर, और ये सेकंड वाले पिक्चर में दिख रहा है ये साइंस, तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा कंप्यूटर साइंस। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में दिख रहा है ये जियो का सिम यानी कि जियो, और ये सेकंड वाले पिक्चर में दिख रहा है ये कार, और ये थर्ड वाले पिक्चर में दिख रहा है ये फीस दे रहा है यानी कि फी, तो इन सबको मिलाकर बन जाएगा जियोग्राफी। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में दिख रहा है ये जियो, और ये सेकंड वाले पिक्चर में दिख रहा है ये मैट, और ये थर्ड वाले पिक्चर में दिख रहा है ये ट्री, तो इन तीनों को मिलाकर बन जाएगा जियोमेट्री। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आई होप अभी तक आपने गेस कर भी लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में दिख रहा है ये हैन, और ये सेकंड वाले पिक्चर में दिख रहा है ये डी, तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा हिंदी यानी कि हिंदी सब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है ये हिल्स, और ये सेकंड वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है ये ट्री, तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा हिस्ट्री। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है ये इंक, और ये सेकंड वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है ये लिखा हुआ ली, और ये थर्ड वाले पिक्चर में हमें दिख रहा है ये श, तो इन सबको मिलाकर बन जाएगा इंग्लिश यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये साइकिल, और ये सेकंड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है लिखा हुआ ये लॉजी। तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा साइकोलॉजी। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इन तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिए, सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये स्पा, और सेकंड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये नी, और ये थर्ड वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है ये श। तो इन तीनों को मिलाकर बन जाएगा स्पेनिश। तो किसका किसका सही आंसर था दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।